फूड वेस्टेज। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फूड वेस्टेज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें जितना खाना है उतना ही खाना बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। फूड वेस्टेज एज ए ह्यूमन बीइंग हमें फूड तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम अक्सर घर में खाना बनाते हैं तो वहाँ पे चपाती रोटियाँ रह जाती है, उसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए बची हुई रोटियों से एक नाश्ता लेके आया हूँ जो शानदार बन के तैयार होने वाला है। नमस्कार, मैं नेक फूडी आपका स्वागत करता हूँ वापस से, और एक लेके आया हूँ एक शानदार डिलीशियस नाश्ता। इसके लिए हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो आपके सामने हैं। या मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, इसके नाम मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है। इसको हम भुनने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और इसके अंदर बारीक कटी 3 से 4 मिर्च और 2 से 3 मीडियम साइज के ओनियन मैंने फाइनली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको पकने देंगे हम। इसके पकने का इंतज़ार करेंगे और इसको स्टेयर करते रहेंगे जब तक ये पक नहीं जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसके अंदर मैंने सिर्फ प्याज और मिर्ची टमाटर ही लिए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने इसके अंदर यहाँ पे नमक ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच, आप स्वाद के अनुसार इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसको मिला दिया है यहाँ पे। मिलाने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, वापस से हम इसको पकने देंगे और इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते भी रहेंगे ताकि ये बर्तन से चिपके ना। दोस्तों घर में इजीली बनकर तैयार होने वाला नाश्ता है। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है और ये हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे घर के अंदर रोटियाँ बच जाती हैं। यह मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको घुमा देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल हमारे घरों के अंदर रोटियाँ बच जाती हैं, शाम को ज़्यादा बन जाती है, सुबह ज़्यादा बन जाती है, तो हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करना चाहिए। तो ये शानदार नाश्ता है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए 3 से 4 रोटियों के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये रात की रोटियां हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और टुकड़े करके ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हमने इस्तेमाल करके एक शानदार नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। इसको हम टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे, आपके सामने रेसिपी है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद में हमने इसको एक उबाल दिया है। उबाल देने के बाद आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है ये। पाँच से 10 मिनट में तैयार होने वाला नाश्ता है ये, बिल्कुल बनकर शानदार तैयार होगा। ये हमने यहाँ पे रोटियाँ जो हमने इसके टुकड़े कर रखे थे रोटियों के या चपाती के जो भी आप कहें वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए हम इसको मिला देंगे, बिल्कुल हम इसको मिला देंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए, और ये पूरी तरह मिक्स हो चुकी है दोस्तों, मिक्स हो गई है। और हमने ये आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो रोटियाँ हैं उनको सब्जी के साथ हम पकने भी देंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसको मिला देंगे और इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट ये पक चुकी हैं। ये देखिए, बिल्कुल पक चुकी है, पानी भी हमारा पूरा सूख चुका है।
ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट के अंदर, आपको दिखाएंगे कितना डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये नाश्ते की ये प्रक्रिया आपको अच्छी लगी है तो इसे कमेंट करें, शेयर करें और फूड वेस्टेज होने से बचाएं, क्योंकि हमें फूड वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भी अगर आपको ब्रेकफास्ट की अलग अलग रेसिपियाँ देखनी है तो स्क्रीन के ऊपर शो कर रही हैं, इन्हें आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल झटपट बनने वाली है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।